मोहम्मद इकराम ये क्यों किया आपने प्रोटेस्ट किया? ये इसलिए कहा किया है, हमारा सन 1985 से हमारी बसें यहाँ पे संचालित हैं और हमने आज तक कभी भी कोई भी ना हमसे कोई आए बहुत चेयरमैन बने किसी ने हमसे कुछ नहीं लिया। ये लोग आए हैं कि हमें इसका पार्किंग का पैसा दो, पार्किंग हमारी अपनी निजी है, पर्सनल पार्किंग है, हम इसका पैसा देते हैं, हमारी अपनी जगह है। ये लोग रोड पे ब्रिक मारने के हमसे पैसे ले रहे हैं। इन लोगों का कहना ये है कि हम बीजेपी के हैं, हमने बीजेपी लड़ाई है और भगवा कलर का रुमाल डाल के अपने गले में और हमारे साथ बदमाशी कर रहे हैं। कल हमारे लोगों ने स्टाफ को पीटा, आज स्टाफ को जब इन्होंने कल हमारे स्टाफ के साथ बेइज्जती की तो हमने अपनी सारी बसें रोक दी हैं और हम बसें नहीं चलाएंगे जब तक। अधिकारी शिकायत किया जी, थाना अध्यक्ष से शिकायत की हमने, ईओ साहब से शिकायत की, उसके बाद में चेयरमैन साहब से शिकायत की, किसी को कितने कितने दिन की हड़ताल पे आप? हम तो जब तक यहाँ हमें न्याय नहीं मिलेगा हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, चाहे हमारा स्टाफ भूखा मरो या कुछ भी हो, इसमें हमें बहुत नुकसान है लेकिन हम चलाएंगे नहीं। जानकी, मैंने थाना अध्यक्ष कुंदरकी से मालूम किया है तो उन्होंने बताया कि कुछ बस वाले आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने नगर निगम से मालूम किया, नगर पालिका से मालूम किया कुंदरकी से, तो वहाँ उनका एक ग्राउंड है जिसका वो हर साल ठेका उठाते हैं, उसी के बोली लगती है, उसी के तहत ये कार्यक्रम होता है। अभी तक तो ये जानकारी में आया तो होंगे कि मैंने फिर भी प्रथम दृष्टा जो मैं अभी बताया वही था, लेकिन फिर भी उसकी गहराई से हम जांच करा लेंगे, ऐसा कोई अवैध वसूली होगा तो कार्रवाई की जाएगी। बेलारी में भी हमने अवैध वसूली पर मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की।